बीवी के मन की बात। स्वाति की दो माँ थी। वो अक्सर अपनी माँ से जानने की कोशिश करती कि ऐसा क्यों, लेकिन माँ हमेशा बात को टाल दिया करती। माँ, अब तो मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी को 5 साल हो गया है, अब तो बता दे कि मेरी 2 माँ और 1 पिता कैसे हैं? बेटा, तुम्हारे पिता पहले से शादीशुदा थे, हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी शादी हो चुकी है, फिर पता तब चला जब तुम हो गई थी। तो पापा ने आपको धोखा दिया? हाँ, धोखा तो दिया। ये तो एहसान है उनकी पहली पत्नी का, जिन्होंने तुम्हारा मुंह देखकर तुम्हारे पिता को मेरे लिए त्याग दिया। लेकिन उनके भी तो बच्चे थे ना माँ? हाँ, लेकिन वो औरत तेरी माँ की तरह कमजोर नहीं थी। वो पढ़ी लिखी आत्मसम्मान वाली महिला थी, जिन्होंने तेरे पिता के बिना ही अपने बच्चों को आज वो बनाया जो तेरे पिता कभी सपने में भी ना सोच पाते। स्वाति माँ को गले लगाकर वहां से ससुराल चली जाती है, लेकिन पिता के धोखे को वो मन में बसा लेती है और फिर उसे अपने पति में भी पिता का चेहरा दिखता है। सुनो, तुम्हारे ऑफिस में कौन कौन सी लड़की काम करती है और उनके नंबर किस नाम से सेव है, ये सब कुछ बता देना मुझे। ओए पत्नी रानी, ये कैसी बात कर रही हो? मतलब कुछ भी? देखो रोहित, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर तुम इतना रिएक्ट करो। देखो, मेरे ऑफिस में 3 लड़कियां काम करती हैं और तीनों को मैं बहन जैसा मानता हूँ। अच्छा, मतलब वो कहीं और काम करती है, क्यों? रोहित सर पर हाथ रख लेता है और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। स्वाति को अब रोहित पर हमेशा ही शक रहता। वो उसका फोन चेक करती तो कभी उसकी शर्ट चेक करती। क्या बात है, ऑफिस तो 6 बजे ओवर हो जाता है, तुम 8 बजे क्यों आते हो? अरे तुम जानती हो ना, मैं कॉलेज के वक्त से ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो बस वहीं कोचिंग से होकर आ रहा हूँ। लेकिन अब क्यों कोचिंग? अब तो नौकरी लग गई है ना तुम्हारी, और वहां से क्या मिलता है तुम्हें? वो पैसे तो मैंने आज तक नहीं देखे। मैं कुछ नहीं जानती, कल से ऑफिस खत्म होते ही घर आओगे तुम। रोहित घर आ भी जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो शांत होकर इधर उधर घूम रहा होता है कि माँ आ जाती है। क्या बात है बेटा, आज दफ्तर से जल्दी आ गया और शांत भी है। माँ, मैंने शादी करके ठीक नहीं किया। तभी वहां स्वाति आती है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहीं और किसी के साथ कुछ था क्या? है ना, तो मुझे साफ साफ अभी बता दो। अरे कैसी बात कर रही है बहू, इतनी शक्की कैसे हो सकती है? रोहित जिस ट्यूशन में पढ़ाता था, वहां भले ही उसे पैसे ना मिले, लेकिन गरीब बच्चों को पढ़ाने में जो शांति उसे मिलती है, वो मैं समझ सकती हूँ। रोहित के पिता बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे, ऐसे में उसने भी बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की है। माँ, सभी मुश्किल से ही पढ़ते हैं, मेरा भी मन नहीं लगता था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन मुश्किल से ही पढ़ाई तो की ना मैंने। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। अब पता चला कि मुश्किल से पढ़ाई करना किसे कहते हैं। रोहित स्वाति को किसी भी हाल में परेशान नहीं होने देना चाहता, वो उसे बहुत प्यार करता। लेकिन स्वाति का व्यवहार दिन पर दिन बदलता ही जा रहा था। फिर एक दिन फाइनली, देखो रोहित, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किसी और से प्यार करते हो और एक दिन मुझे उसके लिए छोड़कर चले जाओगे। What? Are you mad? अरे कैसी बात कर रही हो यार, शादी की है मैंने तुमसे, छोड़ने के लिए नहीं। और प्लीज, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, फिर शक क्यों करती हो? मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ स्वाति। सभी लड़के ऐसा ही कहते हैं, लेकिन जहाँ ऑफिस में कोई लड़की आई तो छोड़ देते हैं अपनी बीवी को। रोहित समझ नहीं पाता कि अचानक से स्वाति को क्या हो रहा है। ऑफिस में एक रोज रोहित के फोन पर स्वाति की मिस कॉल आती है। अरे क्या हो गया होगा, स्वाति की मिस कॉल, सब ठीक तो होगा ना? वो स्वाति को फोन करता है। कहाँ हो? अरे ऑफिस में, और कहाँ जाना है मैंने। अच्छा ऑफिस में हो तो ऑफिस के लैंडलाइन से कॉल करते ना। अरे हाथ में मोबाइल था तो कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? झूठ मत बोलो, समझे? मुझे पहले तुम लैंडलाइन से कॉल करो और अपनी लोकेशन शेयर करो। रोहित परेशान हो चुका था स्वाति की शक करने की आदत से,
वो समझ ही नहीं पाता कि वो क्या करे। उसे परेशान देखकर उसका दोस्त कहता है, अरे यार क्या हो गया, सब ठीक है ना? नहीं यार, पता नहीं बीवी को क्या हो गया है, वो हर बात पर शक करती है यार। जिंदगी बहुत खराब हो गई है। शक कर रही है, वो भी बिना कुछ किए? तो तू क्यों नहीं कोई चक्कर चला ही लेता? रोहित घर आता है। क्या बात है, बड़ी गुलाबी शर्ट पहनी जा रही है और परफ्यूम भी, माजरा क्या है? क्या है यार, अब अच्छे से तो बाहर निकलूंगा ना। अरे यार ये हुआ क्या है तुम्हें, क्यों इतना शक करती हो? पहली बार स्वाति अपने मन की बात रोहित के सामने रखती है। मेरे पापा भी ना ऐसे ही थे, उन्होंने भी मेरी माँ के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था। सोचो उन्होंने कैसे अपना पूरा जीवन बिताया होगा। तो बात यह है, लेकिन स्वाति हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ये मत भूलो। वो महिला कितनी स्ट्रांग होगी। और यार ये किसने कह दिया कि मर्दों के धोखा देने के बाद स्त्री का जीवन नहीं है, बोलो। देखिए महिला सशक्तिकरण के बारे में बात मत करिए, ये बस रोज रोज देवानंद बनकर निकलना बंद कर दीजिए, वरना मैं। तभी स्वाति की सास आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मार देगी ये बहू मुझे, मार देगी, अरे बेटा मुझे बचा ले। स्वाति ये क्या है, माँ तुमसे डर क्यों रही है, और क्या किया है तुमने मेरी माँ के साथ, बोलो। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। माँ क्या हो गया? ये बहू के हाथ में चाकू है, देखिए मुझे काट डालेगी। माँ जी ये चाकू आपको नहीं, बैंगन को काटने के लिए हाथ में रखा है, आज डिनर में बैंगन भरता बना रही हूँ। झूठ बोल रही है बेटा, ये झूठ बोल रही है, तू मुझे अपने भाई के घर भेज दे, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। स्वाति समझ ही नहीं पाती कि क्या हो गया। वो सास से माफी मांगती है, माँ जी जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए, मैं भला आपको क्यों मारूंगी, आप तो मेरी माँ समान है। और ये किसने कह दिया आपको? वो मेरी सहेली है ना कमला, उसकी बहू उस पर बहुत जुल्म करती है, कल तो उसने उसका हाथ ही काट दिया। अरे बेटा ये भी मेरा हाथ काट देगी, मुझे बचा ले। माँ जी आप किसी और के किए का गलत काम मेरे से कैसे जोड़ सकती हैं? मैं अलग हूँ, मेरे संस्कार और सोच अलग है, मैं ऐसा गिरा हुआ काम क्यों करूँगी? वही तो बेटा, तेरे पिता ने क्या किया वो उसके संस्कार थे, लेकिन मेरे बेटे में मेरे संस्कार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो तू उसे सजा क्यों देती है रोज रोज? समझ गई माँ जी, मैं आज से रोहित पर कभी शक नहीं करूंगी।